उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, आखिरी चरण के चुनाव हैं, 125 से ज्यादा चुनाव कर्मियों की मौत हो गई है। अशोक तिवारी, सारी पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं, लेकिन दरअसल जो उत्तर प्रदेश में चुनाव का खेल हो रहा है और जो लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उत्तर प्रदेश में, घट नहीं रहा है, पर उसकी चर्चा नाम मात्र के लिए हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों की अगर आप बात कीजिए तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है, लेकिन एक अच्छी बात यह भी रही है कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हो रहे थे उसको लेकर जो सख्त गाइडलाइन जारी की गई थी उसका कहीं ना कहीं अनुपालन भी देखने को मिला है। लेकिन इससे इतर एक खबर यह भी थी, आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, और यह कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग से और निर्वाचन आयोग से यह जवाब मांगा था कि आखिरकार पंचायत चुनाव में जो तमाम सारे कर्मी ड्यूटी पर लगाए गए थे उनकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है और क्या राज्य निर्वाचन आयोग कोविड के तमाम सारे जो नियम हैं उसका अनुपालन कराने में सक्षम नहीं रहा और क्यों उसको दंडित ना किया जाए। यह एक बड़ा सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से निर्वाचन आयोग को लेकर खड़ा हुआ था। आज 17 जनपदों में अंतिम चरण का जो मतदान है वो हो रहा है पंचायत चुनाव को लेकर, शाम 6 बजे तक यह मतदान चलेगा और कल जो गाइडलाइन जारी की गई निर्वाचन आयोग की तरफ से उसमें तमाम सारे जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करने की बात कही गई कि मतदान केंद्र में ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, मतदान केंद्र के भीतर जाते समय सैनिटाइजर से हाथ साफ करना होगा, मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा, लेकिन इसके इतर बहुत ज्यादा भीड़भाड़ की और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं यह जरूर है कि पंचायत चुनाव को टालने की मांग भी शुरुआती दौर में उठी थी, आपको याद होगा तमाम सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उनकी तरफ से बात कही गई थी, तमाम सारे जो धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से बात कही गई थी कि अगर कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से उत्तर प्रदेश में फैल रहा है तो क्या पंचायत चुनाव टाले नहीं जा सकते, कंप्लीट लॉकडाउन की मांग भी उत्तर प्रदेश में की गई थी, लेकिन फिलहाल वो तमाम सारी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं और हुआ। उसका नतीजा ये हुआ है।